ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है पुरा प्राचीन लुप्त नदी सरस्वती के कुछ सांस्कृतिक, पुरातात्विक और वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित रूपक नद्योत्तमा सरस्वती। आलेख नीरज कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉ. संजय सिंह वर्मा। प्राचीन काल से ही नदियाँ माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती रहीं, शहर और बस्तियाँ बसती रहीं और कहानियाँ बनती रहीं। ये नदियों का कलकल निनाद करता हुआ जल ही है जो मनुष्य और धरती की प्यास बुझाता है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जैसी महान नदियां साक्षी रही हैं भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की। इसी क्रम में एक और नाम है सरस्वती, जो अब अदृश्य है। वैदिक काल में सरस्वती की अपार महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर और इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने सनातन ज्ञान का विस्तार किया और वैदिक मंत्रों, ऋचाओं की रचना की। इसीलिए इसे आज भी ज्ञान की देवी वीणा वादिनी सरस्वती के रूप में परम आराध्य की श्रेणी में रखा गया है। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी उखरनी जगत जननी, ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा। हमारे पौराणिक ग्रंथों और वेदों में सरस्वती नाम की नदी की चर्चा कई स्थानों पर हुई है, परंतु इसके बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय मंजुल, दरअसल सरस्वती नदी के बारे में जो भ्रांतियां थी पहले, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो सरस्वती नदी पे काम हुआ है और उसके पैलियो चैनल्स को जो आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो या वह ग्राउंड वाटर पेनिट्रेशन के माध्यम से किया गया हो, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन के माध्यम से जो कुछ बात सामने आई, उससे स्पष्ट हो गया कि सरस्वती नदी का जो कोर्स है वर्तमान में, जिसे हम घग्घर कहते हैं और जब वो पाकिस्तान में इंटर करता है तो उसको हाकरा के नाम से जाना जाता है, और वो आगे जाके लूनी से कनेक्ट होके रन ऑफ कच्छ में जाके वो गिरता है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी अपने समय में। और नदी के किनारे चाहे सरस्वती हो या सरस्वती से रिलेटेड चौतांग और दूसरी सहायक नदियां हो, उसके आसपास अनेकों पुरातात्विक स्थल मिले हैं। अगर हम उसको डेटिंग के हिसाब से देखें तो लगभग 7000 साल BC, जिसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं, जो हड़प्पीय सभ्यता से भी पहले प्राचीन समय से शुरू हो गई थी। माना जाता है कि सरस्वती एक विशाल नदी थी। इसे
प्लाक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहा जाता था। ये पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर बी आर मणि। देखिए, जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है, इसका सबसे प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में 50 से अधिक सूक्तों में सरस्वती का उल्लेख आया है और नदी सूक्त जो है उसमें मैक्सिमम उल्लेख आए हैं। और सरस्वती को नदीतमा भी कहा गया है, देवीतमा भी कहा गया है और अम्बितमा भी कहा गया है। मतलब सरस्वती नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, देवियों में सर्वश्रेष्ठ है और माताओं में सर्वश्रेष्ठ है। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती श्रुतुद्री स्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्ष्ण्या मरुद्वृधे वितस्तयर्जी की ये श्रुणुया सुषोमया। ओ अर्थात मेरे इस प्रशंसा वचन को ये नदियां सब प्रकार से सेवित कराती हैं, सुनवाती हैं। गंगे अतिवेगशील नदी, यमुने और अधिक जल वाली नदी, सरस्वती अधिक जल वाली नदी, शुतुद्री शीघ्र बहने वाली नदी, परुष्ण्या पर्व वाली कुटिल गामिनी नदी, असिववन्या जो नीले पानी वाली है, मरुद्वधे मरुतों से बढ़ने वाली, वितस्तया विस्तार वाली नदी के साथ, आर्जिकीये सीधे बहने वाली नदी, सुषोमया जिसके किनारे पर सोमलता आदि हो। महाभारत काल में ये नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। आज ये अदृश्य है, पर आधुनिक खोजों से इसकी उपस्थिति के अनेक भौगोलिक प्रमाण मिलते हैं। डॉक्टर बी आर मणि आगे बताते हैं। वास्तव में जब हम सरस्वती नदी की बात करते हैं तो सरस्वती नदी तो कहीं दिखती नहीं है, और ये 1960 के बाद की खोजों से पता चला, जब सैटेलाइट इमेजरी वगैरह पे साइंटिस्ट ने ध्यान दिया तो उस समय एक लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा पार्ट हमें दिखलाई देता है, जो देहरादून के पास से लेकर के और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न साइड से होता हुआ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान होता हुआ गुजरात की तरफ जाकर के समुद्र में मिल जाता है। अब ये 8 किलोमीटर चौड़ा पार्ट क्या है, उसके बीच में हम देखते हैं कि आसपास सैंड ड्यून्स हैं, और ये जो 8 किलोमीटर चौड़ा पार्ट है उसमें बहुत अच्छी खेती हो रही है, जिससे ये पता चलता है कि इसके नीचे बहुत अच्छे एक्वीफायर भी हैं और नमी बहुत अधिक है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ था, ये अभी तक शोध का विषय है, पर इतना तय है कि यह गंगा यमुना के समान हिमालय से निकलने वाली नदी ही थी। भूगर्भ विज्ञानी प्रोफेसर विमल सिंह कहते हैं, इसका उद्गम स्थल बताना, जो सरस्वती वेदों में जिसका वर्णन किया गया है उसका उद्गम स्थल जो है ये बताना बड़ा ही मुश्किल है किसी के लिए भी। लेकिन जो साबित हुआ है अब तक वैज्ञानिक तौर पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी थी तो इसका पानी जो है वो हिमालय की नदियों से ही, अगर बड़ी नदियों से मिलेगा तभी वो इस तरह की एक बड़ी धारा बना सकते हैं। क्योंकि जो देखा गया, जो पाया गया है, इसका जो पुरानी घाटियां 5-5 किलोमीटर तक की चौड़ी घाटियां पाई गई हैं, और वो इतनी चौड़ी तभी बनती हैं जब उतना पानी उसके अंदर में चले। बाद में जब भारत ने अपना सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू हुआ, जब इमेजेस आनी शुरू हुई, और उस इमेज को 1980 के दशक में यशपाल शर्मा और उनकी टीम, उन लोगों ने देखा, तो उसके ऊपर इसको पूरा ट्रेस किया, जिसके अंदर में दिखता है कि आपको एक काफी चौड़ा सा नदी का एक हिस्सा दिखाई देता है जिसको इन्होंने मैप किया और उन्होंने इसको जोड़ा
कि हाँ ये सरस्वती नदी वेदों में जिसकी व्याख्या है वो ये हो सकती है। तो वो करीब 5 किलोमीटर चौड़ी थी। तो अब ये शिवालिक से निकलने वाली नदी के लिए संभव नहीं था कि वो इतना पानी लेकर के आ सके, क्योंकि उसको क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए, जो संभव नहीं था। तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, इसके अंदर में ये सतलज और यमुना जो है उसकी धारा बहती थी और ये मिलकर के जो है बनाती थी। सरस्वती नदी को लेकर कई पौराणिक आख्यान हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, साहित्यकार और विद्वान डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ऐसा ही एक उदाहरण दे रहे हैं। भारत का अंतिम गांव उत्तर के क्षेत्र में माना माना जाता है, माना गांव है, बद्रीनाथ धाम से थोड़ा दूर पे। अब माना गांव में जब आप जाते हैं तो वहां पर सरस्वती नदी कहां से आती है ये आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा जल धारा का स्रोत कल 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 करता हुआ बहता है। वहां पर भीमशिला है, कहा जाता है कि पांडवों ने जब स्वर्गारोहण उस तरफ से किया तो भीम ने वहां पर शिला रखी ताकि वो उस धारा को पार कर सके। बात इतनी रोचक है कि उसके थोड़ी ऊपर एक व्यास गुफा है और एक गणेश गुफा है। अब हम सब जानते हैं महाभारत की कथा में कि व्यास जी ने महाभारत कही और गणेश जी ने उसको लिखा। एक कथा ये भी मानी जाती है कि जब व्यास जी गणेश जी को बोल रहे थे, बता रहे थे, तो सरस्वती नदी इतनी ज्यादा शोर कर रही थी कि व्यास जी ने उसको कहा कि अरे मेरा ध्यान भंग कर रही हो। इस बात का प्रात्यक्षिक आपको तब होता है जब आप माणा में उस स्थान पर खड़े होते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि भीमशिला पर अगर आप खड़े हैं तो सरस्वती नदी का जो कल कल निनाद है वो इतना ज्यादा होता है कि आपके नजदीक खड़े व्यक्ति की भी बात आप नहीं सुन सकते। और आप देखते हैं कि सरस्वती नदी की जो धारा इतनी तेज यहाँ से बह रही है, बामुश्किल 300 या 400 मीटर आगे जाकर वो विलीन हो जाती है, दूसरी नदी की धारा में बह जाती है। सरस्वती नदी के उद्गम के कुछ सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर के एन दीक्षित। सरस्वती नदी के उद्गम को लेकर के बहुत सी अलग अलग धारणाएं हैं। पुरी साहब की थ्योरी है, जो पुरी साहब डायरेक्टर थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, उनका ये कहना था कि जो सरस्वती रिवर है वो हिमालय से नहीं निकलती थी और वो जो हिमालय की जो ट्रिब्यूटरी है जो निकली थी वो वहीं के ऊपर ख़त्म हो जाती है। दूसरी थ्योरी जो है, जो ज़्यादातर लोग उसमें विश्वास करते हैं, वो ये है कि जो शिवालिक्स हैं, आजकल की जो सरस्वती है उसका उद्गम बताया जाता है वो शिवालिक से है, और उस उद्गम के बारे में ज़्यादातर लोग, चाहे वो डी एन वाडिया रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, और ए डी चौधरी साहब भी एक काम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो वो जो नदी है शिवालिक से निकली है और शिवालिक से निकलने के बाद में वो प्लेन्स में आती है अम्बाला के पास में, और इसके बाद में वो बहती हुई इंटर होती है हरियाणा में, फिर वो चली जाती है राजस्थान वगैरह में। दादाजी। हाँ विधांति बिटिया। दादाजी हम प्रयागराज में तो आ गए और आपने बताया था कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। हाँ? त्रिवेणी बताया था। हाँ दादाजी, वो कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे विधांति बिटिया, वो देखो ना, वो जो सामने दिख रहा है वो है 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। दादाजी एक कंफ्यूजन है। क्या बिटिया? देखिए दादाजी, 2 नदियां तो मुझे दिखाई पड़ रही हैं, गंगा और यमुना। पर ये 3री नदी सरस्वती कहाँ है दादाजी, मुझे तो नहीं दिखी। देखो विधांति बिटिया, सरस्वती नदी जो है ना वो गंगा जैसी ही एक विशाल नदी थी। अच्छा, पर जानती हो प्राचीन काल में हुए अनेक बदलावों के कारण ये नदी लुप्त हो गई। अरे वैसे पुराणों के अनुसार पहले सरस्वती नदी सौराष्ट्र के इलाके में बहती थी। अच्छा, परंतु वहां के लोगों के आचार विचारों में दोष आ गया।
तो ये नदी प्रयाग आकर वास करने लगी और उस इलाके से लुप्त हो गई। तभी तो उसके पास का इलाका मरुस्थल हो गया है। दादाजी, पूरी की पूरी नदी लुप्त हो गई? हाँ। तभी तो दादाजी, हमको नदियों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। उनको गंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये नदियाँ भी लुप्त हो सकती हैं। हाँ। और ऐसा मुझे मेरी टीचर मैम ने भी बताया था दादाजी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपकी टीचर मैम ने। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिक और वरिष्ठ भूभौतिकविद डॉक्टर वीरेंद्र एम तिवारी ने हाल ही में किए गए शोध के आधार पर यह बताया है कि प्रयागराज में संगम पर गहराई में एक और नदी के अस्तित्व की पुष्टि हुई है, जो करीब 12,000 साल पहले प्रवाहमान थी और ये सरस्वती हो सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर नीरज सिन्हा बता रहे हैं कि किस प्रकार सर्वेक्षण से सरस्वती नदी के प्रमाण मिले। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक हर स्टेट में 10-10 साल 15-15 साल तक अन्वेषण का कार्य किया गया, पुरातात्विक अन्वेषण किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरे स्थलों पर बहुत सारे हरप्पन सभ्यता के अवशेष मिले। धीरे धीरे उनका उत्खनन कार्य शुरू किया गया। कालीबंगा प्रथम स्थल था, फिर लोथल, लोथल के बाद फिर हमारा बनावली और धीरे धीरे धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये सारे स्थल जो थे वो सभी नगरीय सभ्यता थे। तो जब भी कोई बड़ा नगरीय सभ्यता होता है तो उसके आसपास छोटे छोटे स्थल भी विकसित होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सभ्यता के स्थलों का पता चला। जब पूरी तरह से सर्वेक्षण की गई और उस सारे स्थलों को हम जब मैप पे प्लॉट किया तो हरियाणा में देख रहे हैं कि एक लाइन बन गई। जब टेक्नोलॉजी विकसित हुई तो लैंडसैट इमेजरी को जब विश्लेषण किया गया तो जैसे जैसे हम लोगों ने अपने एक्सप्लोर्ड साइट्स को मैप पे फिट किया था, हमारा सैटेलाइट इमेजरी है वो वहीं पे पैलियो चैनल दिखा रहा है। मतलब साफ है कि वहाँ पे एक नदी थी और जिसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। सौम्य सारस्वती नाम अंतः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः। अर्थात हे सौम्य मेघ, वैसे तो तुम वर्ण से श्याम हो, किंतु सरस्वती नदी के पवित्र जल को पाकर अंतः शुद्ध हो जाओगे। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहिंजोदड़ो और हड़प्पाकालीन सभ्यता से मानते थे, लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है भारत के इतिहास को देखने की दृष्टि बदलने लगी है। आज भारत के आरंभिक इतिहास को कहीं कहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारा जाने लगा है और आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत पर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर संजय मंजुल, जो सबसे पहले जब खोज हुआ तो वो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, हरप्पा, उसकी खुदाई के बाद उसके नाम दिए गए। आजादी के बाद जब ये पूरा क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो आर्कियोलॉजिस्टों के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता का केंद्र था वो सब पाकिस्तान में चला गया। तो सरस्वती नदी और इसके आसपास अनेकों स्थल खोजे गए, जिसमें सबसे पहले रोपड़ और रंगपुर जैसे साइट का एक्सकवेशन हुआ और उससे पता चला कि नहीं, सरस्वती और ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे भी अनेकों साइट हैं। उसके बाद कालीबंगा जैसे बड़े साइट का एक्सकवेशन हुआ, तब ये पता चला कि जितने साइट इंडस पे थे उससे भी ज्यादा साइट सरस्वती नदी के किनारे थे। तब लोगों ने ये दोबारा सोचना शुरू किया कि क्यों ना जो इंडस है उसको इंडस सरस्वती के नाम से जाना जाए। अब जो नए शोध हो रहे हैं उस नए शोध में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि जो कुछ ऋग्वेद के ऋचाओं में वर्णित है
उसके समानांतर सांस्कृतिक जो एविडेंसेस है वो हरप्पन सभ्यता में वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये जो भ्रांति थी कि आर्यंस जो थ्योरी थी वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता, तो इस तरह के एविडेंस हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। अभी आप देखें जो डीएनए एनालिसिस, चाहे वो सनौली से दो डीएनए आया है, राखीगढ़ी के डीएनए एनालिसिस से, ये स्पष्ट हो गया है कि यहीं यहाँ से खेती शुरू हुई और यहीं ये लोग निवास करते थे, यहीं इनका ओरिजिन था, ये कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता के इस नामकरण के महत्व के बारे में आगे बता रहे हैं प्रख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर बी आर मणि। हम 1920 के बाद से जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, आज उसका नाम बदलने की आवश्यकता इसलिए है कि लगभग 3000 साइट्स आज तक भारत में और पाकिस्तान में मिलाकर खोजे गए हैं, जिसमें 3/4 साइट सरस्वती घाटी में है और 1/4 सिर्फ सिंधु घाटी में है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि मुख्य रूप से जो सभ्यता विकसित हुई भारत में, प्राचीनतम सभ्यता, वो सरस्वती के किनारे किनारे विकसित हुई। सरस्वती का नाम कालांतर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि भारत की अनेक नदियों को इसी के नाम पर सरस्वती कहा जाने लगा। भारत की सनातन संस्कृति पर इसके प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं इतिहास के प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी। सरस्वती नदी यद्यपि अब लुप्त प्राय है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी अब लोगों के जल की धारा में नहीं बल्कि ज्ञान की धारा के रूप में अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है। वह ऋषि महर्षियों की वाणियों से लेकर के वर्तमान के जो विद्वान हैं, शास्त्रकार हैं, धर्माचार्य हैं, पंडित पुरोहित हैं, इन सब के माध्यम से सरस्वती का प्रभाव और प्रवाह दोनों आज भी वो अविरल गति से चल रहा है। लेकिन स्वाभाविक है जब नदी में अब जल की निरंतरता नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक, उसको आप कल्चरल एपिटोम कह सकते हैं, उस रूप में सरस्वती का प्रभाव आज तक व्याप्त है और वो आगे भी रहेगा। और इसीलिए भारत की जो हमारी बहुत क्लासिकल अगर आप आर्ट फॉर्म की बात करें, चाहे वो नृत्य हो, चाहे नाटक हो, संगीत हो, इन सब में भी अगर किसी की आराधना से हम शुरू करते हैं तो वो सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं। माता सरस्वती शारदा, पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर और अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हरियाणा से राजस्थान होकर बहने वाली मौजूदा सूखी हुई घग्घर हकरा नदी प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी, जो 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। इस संदर्भ में नवीनतम भूगर्भीय अध्ययनों पर प्रकाश डाल रहे हैं भूगर्भशास्त्री प्रोफेसर विमल सिंह। जब 1980 के दशक में ये देख लिया गया कि हाँ ये काफी चौड़ी नदी एक यहाँ से बहा करती थी, तो उस समय राजस्थान में काफी जो है काम चल रहा था, तो उस समय वहां पर, क्योंकि वहां पे जैसा हमें पता है कि पानी की कमी है, तो वहां पानी खोजने के लिए जब भी बोरहोल किया जाता था तो वो लोग भी अचंभित होते थे कि कई जगह पे फ्रेश वाटर उनको मिलता था। तो फ्रेश वाटर जो है इस तरीके के एनवायरमेंट में मिलना थोड़ा सा एक अलग वो होता है। तो जब उन्होंने काफी सारा देखा तो उन्हें ये लगा कि हाँ नीचे जो है कोई ना कोई पुरानी नदी का जो है एक सैंड है जिसके थ्रू ऊपर से जो है पानी जो है लगातार आता है, इसीलिए वहां पे एक फ्रेश वाटर का सोर्स जो है वो उनको मिल रहा है। तो नीचे राजस्थान के अंदर में काफी सारा पैलियो चैनल का जो नेटवर्क है वो साइंटिस्ट ने बना लिया था 80-90 तक। ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि ये जो है इसके अंदर में बहाव जो है ये हिमालय से निकल करके ये नीचे रन ऑफ कच्छ तक ये नदी बहती थी। और एक दो साल पहले ही एक और रिसर्च आया जिसमें उन लोगों ने ये भी दर्शाया है कि 5000 बीसी तक जो है उसमें पानी आया है। सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी, पर लगभग 6-7 ईस्वी तक और उसके बाद भी इसकी उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं।
डॉक्टर नीरज सिन्हा बता रहे हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में नदियों को मानव रूप में चित्रांकित करने की परंपरा रही है। पुराने मंदिरों के डोर जंप पे हम गंगा और यमुना को कई जगह पाते हैं। गंगा का रिप्रेजेंटेशन उनका जो वाहन है घड़ियाल उसके साथ किया जाता है और यमुना का रिप्रेजेंटेशन कुर्म के साथ यानी कछुआ के साथ किया जाता है। आज भी आप अगर देखेंगे तो इन दोनों नदियों में इन दोनों जीवों की भरमार है और हमारे जो मूर्तिकार थे उनको भली भांति ये जानकारी थी। एलोरा के एक केव में एक साथ गंगा यमुना और सरस्वती का चित्रांकन किया गया है। उसमें गंगा नदी को एज यूजुअल घड़ियाल के ऊपर दिखाया गया है और यमुना को कछुआ के साथ दिखाया गया है लेकिन सरस्वती नदी को कमल पे बैठे दिखाया गया है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि सरस्वती नदी अस्तित्व में थी लेकिन पानी का बहाव रुक जाने के कारण वहां कमल उगने शुरू हो गए थे। ये नदी लुप्त कैसे हुई इस बारे में अनेक सिद्धांत हैं। प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी, 2000 ईसा पूर्व के आसपास कार्बन डेटिंग, मैं ये जो बात कह रहा हूँ वैज्ञानिक तर्कों और उसके आधार पर कह रहा हूँ, 2000 ईसा पूर्व के आसपास 30 मीटर लंबा कुछ ऐसा एक अवरोध जिसको आप कहते हैं टेक्टाइल, जो प्लेट्स के जो मोशंस हैं टेक्टाइल डेविल कहा जाता है भूगर्भ विज्ञान की भाषा में, उसके परिणाम स्वरूप जो हिमालय ग्लेशियर्स से जो निकलने वाली सरस्वती की धारा थी वो प्रभावित हुई। परिणामतः जो उसके शिवालिक रेंज से जब आगे इसको निकलना होता था उसके अपना मार्ग परिवर्तन करना पड़ा और परिणाम ये हुआ कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास सूखी होती चली गई। डॉक्टर बी आर मणि इस विषय पर आगे प्रकाश डाल रहे हैं। कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए थे हिमालय में जिनकी वजह से जो मुख्य धारा पानी की आ रही थी वो रुक गई और पत्थरों ने मुख्य धारा को रोक करके उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जिसमें आधा पानी सतलज में चला गया आधा पानी यमुना में चला गया और धीरे धीरे करके जो मुख्य धारा थी सरस्वती की वो सूखती गई। वयोवृद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर के एन दीक्षित हमारी इस पावन धरोहर देवी स्वरूपा नदी सरस्वती के बारे में भावुक होकर कहते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि सरस्वती जो है नाउ इट इज लॉस्ट इट इज डाइड अप। आज जो मैं ये कहूंगा सरस्वती नदी पे जो खुदाइयां हुई हैं जो वहां से हमको अपनी सभ्यता के अवशेष मिले हैं हमको उस बात पे गर्व होना चाहिए और मैं साथ में ये भी चाहूंगा कि जो आज की जनरेशन है जो यूनिवर्सिटी में है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में है इन लोगों को ज़्यादातर शिक्षा उन लोगों के द्वारा जरूर देनी चाहिए जो ऐसा एक दृष्टिकोण आगे वाली जनरेशन को दे सकते हैं। नद्योत्तमा सरस्वती, पुरा प्राचीन लुप्त नदी सरस्वती के कुछ सांस्कृतिक पुरातात्विक और वैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख नीरज कुमार सोनी, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, नाट्यांश कलाकार नवोदिता मिश्रा और अभिनय श्रीवास्तव, संस्कृत स्वरांश बलदेवानंद सागर, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।